तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ दो इंस्टेंट स्वीट जो बहुत जल्दी बनती हैं, आप किसी भी फेस्टिवल में बना सकते हैं और इसमें बहुत कम सामान चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो और बनाते हैं इंस्टेंट गणपति स्वीट्स। आज का वीडियो अगर आपको मेरा पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो सबसे पहले हम बनाने वाले हैं स्टफ्ड चॉकलेट फ्लावर्स। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बोल लिया है जिसमें मैं डालूंगी आधी कटोरी जितना ग्रेटेड कोकोनट। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक चम्मच जितनी कलरफुल सौंफ। आप चाहें तो अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। और एक चम्मच भर के मैं इसमें डालूंगी कंडेंस मिल्क फॉर बाइंडिंग। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जैसे ही मिक्स हो जाएंगे मैं इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लूंगी। ये देखिए, इस तरीके से मैं अपनी सारी बॉल्स को रेडी कर लूंगी। दूसरी साइड डबल बॉयलर में हम अपनी चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ दो डेरी मिल्क जिनको तोड़ के मैं इस बाउल में डालूंगी और हम इसे मेल्ट कर लेंगे। चॉकलेट मेल्ट करते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसे कंटिन्यू आपको स्टर करना है, नहीं तो आपकी चॉकलेट जल सकती है। तो देखिए, यहाँ पर मेरी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है। आप कोई भी एक सिलिकॉन मोल्ड लीजिए, कोई भी शेप का ले सकते हैं। कोकोनट बॉल्स हमारी मेल्टेड चॉकलेट, तो हम सबसे पहले मेल्टेड चॉकलेट सिलिकॉन मोल्ड में डालेंगे। और इसे हम अच्छे से टैप कर लेंगे ताकि जो चॉकलेट है वो सब जगह स्प्रेड हो जाए और इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब हम अपने और जो कोकोनट बॉल्स हैं उसे बीच में डाल के हम फिर से इसे चॉकलेट से कवर कर देंगे। इसी तरीके से मैं अपनी बाकी सारी चॉकलेट फ्लावर बॉल्स को रेडी कर लेती हूँ। देखिए, यहाँ पर रेडी है। अब जो हमारी एक्सेसिव चॉकलेट है जो सिलिकॉन मोल्ड पर लगी है उसे हम क्लीन कर लेते हैं ताकि हमें एकदम परफेक्ट फ्लावर शेप अपनी चॉकलेट बॉल्स मिले। यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से पूरी क्लीन कर दी है और इसे टैप करके अब हम इसे रख देंगे फ्रीज में 2 घंटे के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 घंटे हो चुके हैं और ये अच्छे से सेट भी हो गई है, तो अब हम इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है हमारी स्टफ्ड चॉकलेट बॉल्स। ये एकदम इंस्टेंट बनती है और जैसे कि मैंने कहा कितने कम चीज़ों से बनी है, तो आप इसको अपने फेस्टिवल में ज़रूर ट्राई करिएगा और आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कि आपको स्टफ चॉकलेट स्वीट कैसी लगी। अब हम बनाएंगे यहाँ पे पाले मोदक। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पाले जी का पैकेट लिया है जो 20 रुपीज़ का है। इसमें 4 पैकेट आते हैं पाले जी के, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 3 यूज़ करेंगे। इनको खोल के मैं अपने मिक्सर ग्राइंडर में डाल देती हूँ और इसका हमें कर लेना है फाइन पाउडर। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसका फाइन पाउडर कर लिया है, इसे एक बाउल में ले लेती हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच जितना घी। ये ऑप्शनल है, आप नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब मैं डालूंगी इसमें धीरे धीरे करके दूध। आपको दूध की क्वांटिटी सिर्फ इतनी रखनी है ताकि आसानी से आपके मोदक बन सके, मतलब मिक्सचर को ज़्यादा कड़क या फिर ज़्यादा ढीला बिल्कुल मत करिएगा। देखिए, मैं यहाँ पे लड्डू बना के देख रही हूँ कि अच्छे से हमारे मोदक बन पाएंगे कि नहीं। एकदम परफेक्ट है हमारा मिक्सचर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चॉप्ड आलमंड्स। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। और मैं इसमें डालूंगी अराउंड 2 टेबल स्पून ऑफ स्प्रिंकल्स। इससे क्या होगा कि हमारे मोदक जो है वो देखने में सुंदर लगेंगे और टेस्ट में भी काफ़ी अच्छे लगेंगे। इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मेरा मिक्सचर अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम मोदक बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने मोदक मोड़ लिया है
आप चाहें तो आप हाथ से भी मोदक बना सकते हैं। तो मैं अपने मिक्सर को मोदक मोल्ड में डाल देती हूँ और इसे हम अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि अच्छे से मोदक का शेप मिल जाए हमें। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे मोदक अच्छे से स्टफ कर लिया है। और ये देखिए हमारे पाले मोदक एकदम रेडी हो गए और ये कितने सुंदर लग रहे हैं। इन्हें देख के कोई भी नहीं कह पाएगा कि इतने सुंदर मोदक आपने पाले जी बिस्किट से बनाए हैं। तो मैं फटाफट इसी स्टाइल से अपने बाकी सारे मोदक भी रेडी कर लेती हूँ। तो ये जो इंस्टेंट मोदक है इसे आप घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा, गणपति को रोज़ नया भोग लगाइएगा और कमेंट बॉक्स पे मुझे ज़रूर शेयर करिएगा कि आपको ये इंस्टेंट पाले मोदक की रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए यहाँ पे मेरे पाले मोदक एकदम रेडी हो गए हैं जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं और कलरफुल लग रहे हैं क्योंकि हमने इसमें स्प्रिंकल्स डाले हैं। तो ये जो दो मेरे दो इंस्टेंट स्वीट्स हैं इन्हें घर पे आप ज़रूर ट्राई करिए, आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर शेयर करिए और अगर आपके पास कोई आइडिया है इंस्टेंट स्वीट की तो मेरे संग ज़रूर शेयर करिएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी।